एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी बर्थडे मिस्टर पार्क जिमिन। नहीं, आज मैं तुम्हें बच्चा और ब्रदर नहीं कहूंगी। आज मैं तुम्हें एक ग्रेट डांसर, एक ग्रेट सिंगर और एक ग्रेट हैंडसम मैन कहूंगी। जिमिन आज 27 और 29 के हो गए हैं, मतलब इंटरनेशनल एज 27 और कोरियन एज 29। जिमिन की लाइफ स्टोरी पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए उनके बचपन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 13 साल की उम्र में सियोल आने के बाद जिमिन के कोई दोस्त नहीं थे, कोई भी नहीं। जिमिन ने द क्विज शो TVN शो के इंटरव्यू में बताया था कि एक बार मैं अपने पेरेंट्स के सामने रोया था और बताया था कि मैं कितना थक गया हूँ। ये तब था जब मैंने खुद को अकेले पाया था। मैंने कहा, मॉम मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या किसी को अपने पास रखने के लिए मुझे हमेशा उसे कुछ देना चाहिए? ऐसा मैंने अपनी माँ से कहा। मुझे यकीन था कि लोग मुझे इस रूप में नहीं देखते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि कोई मेरे बारे में क्यों नहीं पूछता, सिर्फ एक सिंगर और सेलिब्रिटी के रूप में नहीं। आप कैसे हैं? मैं इस प्रकार के बातचीत के लिए किसी की तलाश कर रहा था। ब्रेक द साइलेंस मूवी में भी जिमिन ने बताया था कि उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि यहां वो थोड़े पॉजिटिव थे। जिमिन ने बताया था कि नुकसान के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन शुरुआत में मुझे लगा कि मैंने अपने दोस्तों को खो दिया है। वे लोग जो मुझे वैसे ही देखते हैं जैसे कि मैं वास्तव में हूँ। साथ ही मैंने अपनी आज़ादी भी खो दी। जब हमने डेब्यू किया था तो मुझे उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, ऐसा मैं सोचता था। उस समय जो मैं कर रहा था वो इतना ज़रूरी था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं या साथ छोड़ देते हैं। फिर जब मैं आधा हो गया तो मुझे अकेलापन महसूस होने लगा, और अकेलेपन की इस भावना की वजह से मैंने अपने आसपास के लोगों को नोटिस करना शुरू किया। भले ही मैंने दोस्तों को खो दिया हो, मैंने सीखा कि मेरे असली दोस्त कौन हैं और मुझे नए दोस्त बनाने पड़े। शायद जिमिन इसलिए ही अपने मेंबर्स को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी उदास या परेशान होता है तो वहाँ जिमिन ज़रूर मिलेंगे। BTS के स्पेशल टॉक शो लेट्स BTS पर जिमिन से पूछा कि उनका सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे कीमती चीज़। तो जिमिन ने बताया कि उनके मेंबर द्वारा दिया हुआ बर्थडे कार्ड। जिमिन के लिए उनके मेंबर ने जो बर्थडे कार्ड दिया था वो सबसे बड़ा खजाना है। इससे पता चलता है कि जिमिन के लिए दोस्ती और प्यार बहुत मायने रखता है। अपने मेंबर के साथ साथ जिमिन आर्मी को कितना प्यार करते हैं वो तो आपको पता ही है। जिमिन ने बहुत सालों तक आर्मी के नाम का नेकलेस पहना था। जब वो खो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, वो बहुत परेशान हो गए थे। जिमिन अपनी आर्मी को बहुत प्यार से देखते हैं। हाँ, ये इस वक्त अपनी आर्मी को ही देख रहे हैं। हर कामयाबी पर आर्मी को थैंक यू कहना कभी नहीं भूलते, और सॉरी भी, ये तो जिमिन अक्सर कहते रहते हैं जबकि उन्हें आर्मी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जिमिन को कहते हैं कि तुम अपने चेहरे के बारे में इतना क्यों सोचते हो, प्लीज़ हेट कमेंट पर ध्यान मत दो, पर जिस पर बीतती है पता उसको ही चलता है। ये हेट कमेंट बस 2 या 3 दिन ही पुराने हैं। इसमें यह है कि जिमिन का फेस और अगली हो गया है,
जिमिन इंस्टाग्राम पर इसलिए अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं करते। ये कल फ्लाइंग योगा के एपिसोड में जिमिन ने मजाक में वी को ऐसे पैर लगाया तो हेटर्स ने इसके बारे में भी लिख दिया कि रूड जिमिन, उन्हें मैनर्स नहीं है, वो हमेशा ऐसा करता है। मुझे भी हेट कमेंट आते हैं इसलिए मुझे पता है कि जिमिन कैसा फील करते होंगे। हेटर्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस यह है कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करने का भी आपको हक नहीं है। एनीवे जिमिना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर आओ, प्लीज़ कुछ पोस्ट करो। इट्स ओके बच्चा, आई अंडरस्टैंड। पर एक बात है, जिमिन के आज तक हर सपने पूरे हुए हैं, ऐसा जिमिन ने कहा था 2021 के फेस्टा पार्टी में। जिमिन ने कहा कि मेरे सारे सपने सच हो गए। ये सुनकर मेंबर भी हैरान थे कि किसी के सारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। जिमिन ने कहा कि मैं एक आर्ट स्कूल जाना चाहता था और मैं गया। मैं सियोल आना चाहता था, मैंने ऑडिशन दिया और मैं आ गया। मैं डेब्यू करना चाहता था और मैंने डेब्यू किया। चलो जिमिना, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हुए और तुम्हारे आगे भी ऐसे ही सपने पूरे हो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जिमिना, इन्जॉय योर डे, और आप सभी के भी सपने पूरे हो। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।